प्यारे प्रेमी भक्तजनों, माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। माँ सरस्वती की पूजा उपासना करने से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात विद्यार्थी चतुर्मुखी विकास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सरस्वती पूजन का विशेष महत्व है। सरस्वती पूजा माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जो इस बार फरवरी 16 तारीख को मनाया जाएगा। माँ सरस्वती सात सूरों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उन्हें सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इनके तो सहस्त्रों नाम हैं, लेकिन इस संसार में वो खास करके सरस्वती के नाम से ही जानी जाती हैं। माघ शुक्ल बसंत पंचमी को ही भगवती सरस्वती इस धराधाम पर प्रकट हुई थी। वाल्मीकि के मुख में प्रवेश करके प्रथम आदि ग्रंथ का सृजन कार्य प्रारंभ हुआ था। उसी दिन से हम सब माँ भगवती की उपासना, उनका उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। माँ भगवती सरस्वती की उपासना, उनका उत्सव मनाने से हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, जो मूर्खता है, वो दूर होता है। साथ ही हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगा उठती है और हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाली माँ भगवती सरस्वती ही है। विद्यार्थियों से खास करके आग्रह है कि माघ शुक्ल बसंत पंचमी को अवश्य सरस्वती माता की उपासना करें, आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनके चालीसा का पाठ करें, फूल पुष्प से अर्चन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके जीवन में चतुर्दिक विकास होगा, चतुर्दिक आनंद और सुख समृद्धि की बरसात होगी। माँ भगवती सरस्वती की कृपा के बिना इस संसार में जीवन को सुखमय बनाना असंभव है। अगर आप सचमुच अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, विद्यार्थी यदि अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम प्रातःकाल भगवती सरस्वती का नाम लेकर के माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें और फिर स्वाध्याय करने बैठे, जीवन में चमत्कारिक परिणाम होगा। और जो विद्यार्थी माँ सरस्वती की स्मरण करके, चिंतन करके स्वाध्याय चिंतन प्रारंभ करेंगे, वो अवश्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार 16 तारीख को माँ भगवती सरस्वती का जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम सब हृदय से माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सर्वत्र कल्याण होगा, सर्वत्र विकास होगा, फिर पढ़ने में मन लगेगा, हमारी जड़ता दूर हो जाएगी, ज्ञान का उदय होगा, प्रकाश होगा।